दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि डेल के कुछ ऐसे लैपटॉप्स होते हैं जिसमें कि अगर आपको पासवर्ड है और हम वहाँ पर रॉन्ग पासवर्ड टाइप करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का कोड आता है। सिस्टम डिसेबल में ये कोड आता है, फिर सर्विस टैग आता है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं कि इस तरह के कोड से कैसे हम डिकोड करके मास्टर पासवर्ड प्राप्त करें। जैसे कि मान लीजिए, अगर हमारे पास इस टाइप का आता है पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड टाइप करने पे ये आता है, इस तरह का कोड आता है, तो हमें पता है कि कैसे इसको हमें हटाना है ना। ये हर किसी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मामला कहाँ पर फंस जाता है, यहाँ पे फंस जाता है जब हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर इस तरह का पासवर्ड का कोड आ रहा है तो आपको किस तरह इसको डिकोड करना है। तो आपको सिंपल करना क्या है, सबसे पहले आपने इसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। देखिए, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। मैं साइट होती है हमारी मास्टर पासवर्ड वाली, इसी पे हम यहाँ पर इसको टाइप करेंगे। किस तरह से टाइप करेंगे देखिए, F6974FD0C05B908, इस तरह टाइप करना है। फिर एक हाइफन लगाना है आपको इस तरह, और फिर सर्विस टैग आपको टाइप करना है 8MM, फिर MM X1, और फिर यहाँ पर जब आप जनरेट पासवर्ड करेंगे तो ये आपको यहाँ पर जो पासवर्ड मिला है ये आपका मास्टर पासवर्ड है। ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका यहाँ पर मास्टर पासवर्ड आ गया। तरीका यही रहेगा, वेबसाइट वही है जो हम हमेशा से यूज करते आ रहे हैं, है ना, वही वेबसाइट रहेगी। बस हमारा थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने कोड डाला ना, उसको डालने का तरीका कुछ इस तरह से रहेगा, और गेट पासवर्ड करते ही ये आपको कोड आएगा, ये मास्टर पासवर्ड है। अब पासवर्ड वाले विंडो पे आप ये टाइप कर दीजिएगा, एंटर कीजिएगा, पासवर्ड आपका चला जाएगा। अगर किसी वजह से ये कोड नहीं काम किया तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि कुछ डेल मॉडल्स ऐसे होते हैं जो एंटर प्रेस करने से काम नहीं करते, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो जाके वो पासवर्ड अनलॉक होगा। तो कभी न कभी इस तरह के मॉडल्स आ जाते हैं जिसमें कि हम अक्सर पासवर्ड को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरह आप इसका मास्टर पासवर्ड वाला कोड प्राप्त करोगे।